साहिबगंज के राजमहल का गंगा जल अब देश के अलावा विदेशों में भी बेचा जाएगा। झारखंड में राजमहल की गंगा की खास बात यह है कि यह उत्तर वाहिनी गंगा है और इस गंगा जल को देश के अलावा विदेशों में भेजने की तैयारी हो रही है। राजमहल का गंगा जल अब देश और विदेश में बिकेगा, इसे लेकर उद्योग विभाग में एक आवेदन दिया गया है। जिला TODB प्रबंधक सिंगल विंडो उद्योग विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि राजमहल से गंगा जल को पैकेजिंग के जरिए देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। अभी इस पर रजिस्टर के लिए दिल्ली मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स से इसके NOC के लिए दिया गया है। रोज 1000 लीटर गंगा जल फिल्टर कर बोतल में पैक कर ऑनलाइन बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा PMEGP में अच्छा काम करने के लिए उनको पुरस्कार भी मिल चुका है, तो उन्हीं के थ्रू हमारा फिर हुआ कि इस पे काम किया जाए कि राजमहल से गंगा जल को पैकिंग करके और उसको एक्सपोर्ट किया जाए पूरे इंडिया में, और ना ही सिर्फ इंडिया में, जो हमारे ई कॉमर्स की साइट है, स्नैपडील है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन तीनों पे रजिस्टर करके और प्रोडक्ट को बाहर भी विदेशों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे एक एक्सपोर्ट हब के तौर पे हम लोग को इस जिला को प्रमोट करना था उद्योग विभाग के थ्रू। लोगों में भी इस प्रोजेक्ट से खुशी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि इससे साहिबगंज जिले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अगर सरकार इसके लिए अगर ऑनलाइन बिजनेस करती है गंगा जल का, तो इससे क्षेत्र का भी नाम होता है, राज्य का भी नाम होता है, जिले का भी नाम होता है, और देश का नाम होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होती है। पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साहिबगंज जिला का पहचान दिलाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ये भी देखना होगा कि ये व्यवसायीकरण को उसी हिसाब से किया जाए जिससे कि गंगा का अस्तित्व बरकरार रहे। एक और जहां ऑनलाइन बाजार में हर कुछ उपलब्ध है, ऐसे में साहिबगंज के गंगा जल का व्यवसायीकरण देश और विदेश में ऑनलाइन के जरिए होने जा रहा है। ये 5 लीटर के जार से 200 ml बोतल में उपलब्ध रहेगा। इस कदम से देश दुनिया में इसकी डिमांड तो पूरी होगी, यानी पवित्रता का दूसरा नाम गंगा जल अब हर किसी के लिए सुलभ होगा। क्षेत्र के लोगों को साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर गुप्ता की रिपोर्ट।